हेलो एवरीवन वेलकम टू लॉन्च पैड एजुकेशन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नई सीरीज लॉन्च की है इज भारत सीरीज फॉर द व्हीकल्स वो क्या है कौन उसके लिए एलिजिबल है कौन भारत सीरीज में अपने व्हीकल्स को रजिस्टर करवा सकते हैं और इसका क्या बेनिफिट है किसके कंपैरेटिवली जो प्रेजेंटली रजिस्ट्रेशन का सिस्टम चल रहा है उसके कंपैरिजन में तो आगे जानते हैं कि भारत सीरीज है क्या हेलो एवरीवन कोविड नाइनटीन पैंडमिक और लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे इंडियन फैमिलीज इमोशनली फाइनेंशियली सफर कर रही हैं ऐसे टाइम में इफ़ यू हैव द स्ट्रीम ऑफ बिकमिंग एन आई एस और आई पी एस ऑफिसर तो हर फैमिली लाखों रुपए नहीं स्पेंड कर सकती सो एज एन एजुकेशन वेंचर वी आर ट्राइंग टू स्टार्ट एन इनिशिएटिव जिसमें हम ऐसी सभी फैमिलीज को सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे फ्रॉम द सेफ्टी एंड कंफर्ट ऑफ योर होम यू कैन ग्रैब दिस ऑपरचुनिटी एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2023 और 2024 यूपीएससी अटेम्प्ट न रजिस्टर ऑन द लिंक गिवन बिलो इस लिंक पर आपको सबसे पहले ये क्या इनिशिएटिव है इसके बारे में हम जानकारी देंगे वी आर गोइंग टू अनाउंस अबाउट दिस इनिशिएटिव ऑन आर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एज वेल टेलीग्राम चैनल लॉन्च पेड एजुकेशन पर भी हम इसकी अनाउंसमेंट करेंगे लेकिन इफ यू आर द रजिस्टर्ड स्टूडेंट

आगे बढ़ने से पहले अगर आप किसी भी अपडेट को नहीं मिस करना चाहते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमें इंस्टा पे भी फॉलो कीजिए और ऑल्सो लाइक ऑन फेसबुक आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भारत सीरीज फॉर व्हीकल है क्या अभी क्या सिस्टम है कि अगर हमने कोई व्हीकल को परचेस किया और हम परचेस करने के बाद लेट से दो साल बाद हम रीलोकेट करना चाहते हैं किसी और स्टेट में और उस स्टेट में जाके हम वहाँ की स्टेट की डिसन चाहते हैं तो वो बहुत कंबरसम प्रोसेस हो जाता है कैसे हमें लेट से हमने पंजाब में व्हीकल लिया और हम मूव करके हरियाणा में तो हमें पंजाब गवर्नमेंट से पहले उसकी एनओसी लेनी पड़ेगी एनओसी लेने के साथ साथ वहां से रोड टैक्स जो हमने पे किया होगा पंजाब गवर्नमेंट को पंद्रह साल के लिए फॉर द एंटायर लाइफ ऑफ द व्हीकल उसका रिफंड लेंगे और हम मूव करेंगे हरियाणा में हरियाणा की रजिस्ट्रेशन लेंगे उनको एन दिखा के और उनको रोड टैक्स पे करेंगे जो हमने रिफंड लिया होगा पंजाब सरकार से तो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाता है स्पेशली उनके लिए जिनकी

मे ऑफन बी पेनफुल जैसे मैंने आपको बताया कितना पेनफुल होता है उसको रीलोकेट करना वन हैज टू गेट एनओसी फ्रॉम द करंट स्टेट एंड री रजिस्टर द्हकल विल बी रीलोकेटेड देयर इज ऑल्सो द इश्यू ऑफ पेइंग रोड टैक्स टू द नेक्स्ट स्टेट ऑल ओवर अगेन इन ऑर्डर टू फ्री वहीकल ओनर फ्रॉम ऑल दिसल द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नोटिफाइड भारत सीरीज ऑफ बी एच सीरीज ऑफ रजिस्ट्रेशन विच पीपल कैन ऑप्ट फॉर इट कम्स इन टू इफेक्ट फ्राम फिफ्टीन सप्टेम्बर मतलब पंद्रह सितंबर से ये जो बी एच सीरीज है वो लॉन्च हो रही है मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने इसको लॉन्च किया है जस्ट टू मेक द प्रोसेस ईजी और अननेसेसरी कॉम्प्लीकेशन को अवॉइड करने के लिए सो दोज हु आर इन ट्रांसफरेबल जॉब्स लाइक दोज इन डिफेंस रेलवेज अदर गवर्नमेंट एम्प्लाइज और प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज़ हुज कंपनीज आर प्रेजेंट इन मल्टीपल स्टेट्स आर ऑफन फेस विद बिट ऑफ लेंदी पेपर वर्क एंड प्रोसीजर अबाउट देर व्हीकल्स मतलब उनको अपने व्हीकल को दोबारा रजिस्टर कराने के लिए दूसरे स्टेट में वहां से एनओसी लेने के लिए रोड टैक्स वापस लेके नया पे करने के लिए बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है उनके लिए जो अननेसेसरी है और उसको अवॉइड किया जा सकता है हेंस बीएच सीरीज़ इंट्रोड्यूस की गई अब मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का सेक्शन 47 क्या कहता है वो ये बोलता है दैट अ व्हीकल कैन रिजाइड इन अनदर स्टेट विद सेम रजिस्ट्रेशन फॉर 12 मंथ्स ड्यूरिंग विच इट टू री रजिस्टर इन द न्यू स्टेट मतलब अगर आप पंजाब से मूव करके हरियाणा में गए हो और आपका व्हीकल रजिस्टर्ड था इन पंजाब तो हरियाणा में एट मैक्स आप बारह मंथ के लिए पंजाब की रजिस्ट्रेशन के साथ चल सकते हो और उस बारह मंथ के अंदर अंदर आपको वो सारे प्रोसेस खत्म करके हरियाणा से रजिस्ट्रेशन नंबर नया लेना पड़ेगा ये सेक्शन फोर्टी बोलता है मोटर व्हीकल एक्ट नाइनटीन सो द व्हीकल ओनर ऑल्सो अप्लाइज फॉर रिफंड ऑफ रोड टैक्स इन द पेरेंट स्टेट ऑन प्रोराटा बेसिस मतलब जो ओनर है वो क्या बोलता है उसने पंद्रह साल का रोड टैक्स दे दिया होता है पेरेंट स्टेट में उसके बाद जब वो मूव करता है लेट से पांच साल बाद वो पंजाब से हरियाणा मूव कर गया तो जो दस साल का रोड टैक्स बाकी है जो उसने एडवांस में दिया था पंजाब को उससे लेगा और उस दस साल के रोड टैक्स को पे करेगा हरियाणा को जहां पर उसने अपने व्हीकल को यूज करना है दिस इज बिकॉज वेन वन बाय एंड रजिस्टर्स अ न्यू पर्सनल व्हीकल द स्टेट गवर्नमेंट और द पेरेंट स्टेट चार्जेस द रोड टैक्स

है रिफंड लेके दोबारा देने की की एनओसी लेने बी कंप्लीटली ऑनलाइन विदाउट द वहीकल ओनर आउट द कॉम्प्लीकेटेड टेप मतलब ऑनलाइन घर बैठे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं कि हमें बी एच सीरीज की रजिस्ट्रेशन करवानी, करवानी है क्यों करवानी है क्योंकि हमारी जो जॉब है वो बहुत ट्रांसफरेबल है या फिर हम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं और हम ये सारे हेसल से बाहर निकल जाएंगे गवर्नमेंट ने क्या किया 47 रूल को ऑफ सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 को अमेंड किया हैज मैंडेटेड दैट व्हीकल्स बेयरिंग द बीएच रजिस्ट्रेशन मार्क विल नॉट रिक्वायर्ड टू बी री-रजिस्टर्ड इन न्यू स्टेट वंस इट रिलोकेट्स मतलब जो बीएच सीरीज में अपने आप को रजिस्टर करवा लेंगे वो जो अगर रीलोकेट करते हैं तो वहाँ पर जाके उनको दोबारा से वहाँ की रजिस्ट्रेशन लेनी नहीं पड़ेगी अब देखते हैं कौन एलिजिबल है इसके लिए कोई भी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या पब्लिक सेक्टर यूनिट का एम्प्लॉय हो या स्टेट का एम्प्लॉय हो या सेंटर वो एलिजिबल है और प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी जिसके जो ऑफिस हैं एटलीस्ट चार स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज़ में हैं वो भी एलिजिबल है बी नंबर लेने के लिए वॉलेंटरी बेस पे करना क्या पड़ेगा एम्प्लॉय अप्लाई बाय फाइलिंग आप फॉर्म सिक्सटी एंड फर्निश्ड वैलिड एम्प्लॉयमेंट आई डी प्रूफ ऑनलाइन मतलब अपनी आई डी दीजिए और प्रूफ जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं जो मांगे गए हैं ऑनलाइन ही उसको सबमिट कीजिए और आपको बी एच सीरीज की रजिस्ट्रेशन मिल जाएगी क्या होगा द स्टेट अथॉरिटीज़ विल वेरीफाई दिस एंड असाइन द बी एच रजिस्ट्रेशन द रजिस्ट्रेशन नंबर विल बी रैंडमली जनरेटेड बाय द कंप्यूटर जो फिर आपको मिल जाएगा अब रोड टैक्स का क्या बनेगा जो व्हीकल्स रजिस्टर्ड हैं अंडर द बीएच सिस्टम उनके ऊपर जो रोड टैक्स लगेगा वो सिर्फ दो साल का लगेगा ना कि पंद्रह साल का लगेगा सो हैंस वो जो वापस रिफंड लेने वाला और दोबारा पे करने वाला सिस्टम है वो बच जाएगा व्हीकल्स रजिस्टरिंग अंडर द बी एच सिस्टम विल बी लिवाइड रोड टैक्स फॉर टू ईयर एंड इन मल्टीपल्स ऑफ टू देर आफ्टर मतलब दो चार छ आठ दस ऐसे इंस्टेड ऑफ ओनर पेइंग अप फ्रंट फॉर द एंटायर फिफ्टीन ईयर दिस फ्री इज़ द ओनर फ्राम नीडिंग टू सी ग रिफंड बिफोर और आफ्टर रिलोकेशन बिकॉज द टैक्स हैज़ नॉट बिन प्रीपेड ना प्रीपेड टैक्स किया होगा ना उसका रिफंड की बात होगी सो सारे प्रोसेस को ईजी करने की बात की गई है बाय बी एच रजिस्ट्रेशन सिस्टम जो कि ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है कौन करेगा अप्लाई गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो हैं चाहे सेंटर के हैं चाहे स्टेट के या फिर प्राइवेट कंपनीज के एम्प्लॉय जिनके जो ऑफिसेज हैं एटलीस्ट चार स्टेट्स में होने चाहिए और जो अथॉरिटीज हैं उसको फिर स्क्रूटिनाइज़ करेंगी और उसके बाद आपको ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया जाएगा सो बी एच नंबर कैसा नजर आएगा आपको उसमें क्या होगा द टिपिकल बी एच नंबर में लुक लाइक ट्वेंटी वन बी एच और ये जो चार डिजिट्स होंगे ये रैंडमली जनरेटेड होंगे उसके बाद दो इंग्लिश के अल्फाबेट्स होंगे मतलब 21 का मतलब है जिस भी साल में आप अपने व्हीकल को बीएच सीरीज दिलवाओगे उसको बोल देंगे ट्वेंटी वन आगे लगेगा लेट्स से 22 में गया तो ये 22 हो जाएगा उसके आगे देन बी एच विच इज बी सीरीज चार जो होंगे वो रैंडम नंबर्स होंगे और जो डबल ए है विच विल बी इंग्लिश अल्फाबेट्स सो गाइज दिस वॉज ऑल अबाउट द बी सीरीज आई होप यू लाइक द वीडियो If you do not want to miss any update, make sure that you follow us on Instagram. Also, give us a like on Facebook and subscribe our YouTube channel Launchpad Education. Thank you very much.